हाय, मैं सुनीता सुनीता एस बड़वाल चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल हम ग्रैनी स्क्वायर्स कर रहे हैं। पहली एक वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक ग्रैनी स्क्वायर सिखाया था, और ये दूसरा ग्रैनी स्क्वायर है। इसे हम कहते हैं सॉलिड ग्रैनी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो होता है, ये आपको पहले मैं समझा देती हूँ। इसमें ये 1 2 3 4 सभी की साइज होती है, और ये कॉर्नर्स होते हैं। ये बहुत ही इजी है, तो आई थिंक मैं शुरू कर देती हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले, हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट्स कीजिए, मुझसे बातें कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा, और मैं आपके लिए और ज़्यादा बढ़िया वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होंगी। तो फ्रेंड्स, यस प्लीज़, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्लिप नॉट। ठीक है, स्लिप नॉट ऐसे बना के, सबका अपना अपना तरीका है स्लिप नॉट बनाने का, और सभी तरीके ठीक है, बस स्लिप नॉट बननी चाहिए। ठीक है, तो जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स, ये मेरी वूल थोड़ा ट्रबल कर रही है। ओके, नाउ स्लिप नॉट बन गया हमारा। अब हम शुरू करते हैं। पहले हमने रिंग फॉर्म करनी है। रिंग फॉर्म करने के लिए हम करते हैं 1 2 3 4, फोर चेन्स बना लेते हैं, और जो फर्स्ट चेन है उसके अंदर हम अपने हुक को इंसर्ट करेंगे, और ऐसे हम ये स्लिप स्टिच कर देंगे, तो हमारा ये रिंग फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इस रिंग के अंदर हमारा फर्स्ट राउंड होगा। अब फर्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए हमने क्या करना है, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 चेन्स बनाएंगे, जिसमें कि 1 2 3, चेन 3 इज आर डबल क्रोशे, एंड बाकी की जो 2 चेन्स हैं दे आर 2 चेन स्पेस के लिए, चेन स्पेस के लिए वो 2 चेन्स हैं। अब हमने क्या करना है, डबल क्रोशे करने हैं रिंग में 3 डबल क्रोशेस। ठीक है, 1 2 3 डबल क्रोशेस, चेन 2 फॉर द कॉर्नर एंड 3 डबल क्रोशेस, 1 2 3, देन चेन 2 फॉर द कॉर्नर, 3 डबल क्रोशेस, 1 2 3। अब देख लें हम कितनी साइज होगी, 1 2 3 एंड देन चेन 2। अब हमारी क्या, 1 2 3, 3 साइड हो गई। अब हमने फोर्थ साइड बनानी है। फोर्थ साइड में हम चेन 2 करके हमने क्या किया, 1 डबल क्रोशे एंड 2 डबल क्रोशे हमने कर लिया। 2 डबल क्रोशे करने के बाद, ये जो हमने शुरू में चेन ऑफ 5 बनाया था, उसमें से मैंने आपको बताया था फर्स्ट 3 चेन्स मीन्स 1 डबल क्रोशे, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशेज बनते हैं, तो 2 हमने बना दिए। तो अब हम इसे चेन 3 के साथ अटैच कर देंगे, विच विल बी आर 3rd डबल क्रोशे। तो 1 2 3, 3rd चेन के अंदर हम जाएंगे। ठीक है, उसके आगे चेन 2 जो है वो चेन 2 स्पेस है। ये हमने स्लिप स्टिच कर लिया, तो हमारा ये इसमें ये 3rd डबल क्रोशे ऐड हो गया। तो अब ये फ्रेंड्स हमारे, आप देख सकते हैं, ये चेन 2 स्पेस जो है ये हमारे कॉर्नर्स हैं। ये कॉर्नर है, ये 2 कॉर्नर्स हैं, साइड 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 साइड। अब ये जो बीच में होल बड़ा दिख रहा है, इसके लिए हम अपनी ये जो टेल है इसको हम खींच लेंगे कस के। खींचने से क्या होगा, ये जो हमारा रिंग है ये क्लोज हो जाएगा।
अब उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, चेन ऑफ थ्री, सेकेंड राउंड चेन थ्री, ये हो गया हमारा चेन थ्री। अब ये चेन थ्री के बाद हम नेक्स्ट चेन स्पेस जो है कॉर्नर है उसमें हम क्या करेंगे, कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर कैसे, टू डबल क्रोशेस, चेन टू एंड टू डबल क्रोशेस, तो ये हमारा कॉर्नर आ गया। अब इस कॉर्नर के बाद हमने ये कॉर्नर बनाने के बाद क्या करना है, वन टू थ्री, ये जो आगे इस कॉर्नर तक थ्री डबल क्रोशेस हैं उसके ऊपर हमने डबल क्रोशेस करने हैं। कैसे, वन टू एंड थ्री, थ्री डबल क्रोशेस आ गए। अब फिर से हम कॉर्नर में आ गए हैं तो हमने फिर से नया कॉर्नर बनाना है, और नया कॉर्नर कैसे बनेगा, विद टू डबल क्रोशेस, चेन टू एंड टू डबल क्रोशेस, फिर से हमारे ये थ्री डबल क्रोशेस आ गए साइड के। अब फिर हम इनके ऊपर थ्री डबल क्रोशेस करेंगे, वन टू थ्री, राइट। उसके बाद फिर हम कॉर्नर में आ गए तो हम नया कॉर्नर फॉर्म करेंगे, दैट मीन्स वन टू डबल क्रोशेस, चेन टू स्पेस एंड अगेन टू डबल क्रोशेस, फिर से हमारे वापस वही थ्री डबल क्रोशेस आ गए इस कॉर्नर से पहले, तो हम उनके ऊपर थ्री डबल क्रोशेस कर लेंगे, वन टू एंड थ्री, राइट। अब ये थ्री डबल क्रोशेस करके नेक्स्ट कॉर्नर आ गया हमारा। अब इस कॉर्नर में हम जाएंगे, नया कॉर्नर फॉर्म करेंगे बाय मेकिंग टू डबल क्रोशेस, चेन टू एंड टू डबल क्रोशेस, वन एंड टू। तो अब हमारे ये देखो ये फोर कॉर्नर्स बन गए ना नए, वन टू थ्री एंड दिस इज फोर। अब हमने क्या करना है, ये जो डबल क्रोशेस हैं ये दो, ठीक है, दो रह गए, इनमें हम जाएंगे नंबर वन में, वन डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे, और जब राउंड शुरू हुआ था तो हमने चेन ऑफ थ्री किया था विच इज़ आर फर्स्ट डबल क्रोशे, तो उसके अंदर हम ये थर्ड डबल क्रोशे हमारा ये हो गया, तो वन वन टू एंड थ्री, चेन थर्ड चेन में हम जाएंगे, फ्रेंड्स ये थर्ड चेन थोड़ी आपको लूज रखनी चाहिए, मुझसे टाइट हो गई, नहीं तो हुक अंदर जाता नहीं है, डिफिकल्ट हो जाता है और डलता है तो फिर निकलता नहीं है। ओके आ गया, और ये हमने कर लिया जॉइन, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट राउंड शुरू करना है, थर्ड राउंड फिर से चेन थ्री। अब मैंने थर्ड चेन जो थोड़ी लूज रखी है, ठीक है, तो थर्ड चेन के बाद अब ये कॉर्नर है हमारा, कॉर्नर से पहले हमारे जितने डबल क्रोशेज हैं उसके ऊपर डबल क्रोशेज करेंगे, ठीक है। तो दो डबल क्रोशेज हैं कॉर्नर से पहले, इसके बाद अब हम पहुंच गए कॉर्नर में, अब कॉर्नर फॉर्म करना है कॉर्नर में फॉर द नेक्स्ट रो, विच इज वन टू डबल क्रोशे, चेन टू, वन टू डबल क्रोशे, तो ये कॉर्नर बन गया। अब हमने यहां से लेके ये जो कॉर्नर तक जितने भी डबल क्रोशेज हैं उनके ऊपर हम डबल क्रोशेज करेंगे, तो ये हमने फर्स्ट यहां पर है, वन
2 3 4 5 6 7 राइट। अब क्या करना है, हमने फिर से कॉर्नर में आ गए तो हम जाएंगे उसके अंदर, कॉर्नर फॉर्म करेंगे। कॉर्नर कैसे फॉर्म होगा, बाय मेकिंग 2 डबल क्रोशेस, चेन 2 एंड 2 मोर डबल क्रोशेज आफ्टर चेन 2, राइट। ये नया कॉर्नर बन गया। अब फिर वही करना है, रिपीट करना है हमने। इस कॉर्नर तक जितने डबल क्रोशेज हैं उनके ऊपर डबल क्रोशे करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर से हम कॉर्नर में आ गए, फिर से हम कॉर्नर बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशेस, देन चेन 2 एंड 2 डबल क्रोशे विच फॉर्म्स अ कॉर्नर, ठीक है। अब फिर से वही यहाँ कॉर्नर तक डबल क्रोशेस करेंगे, सारे डबल क्रोशेस के ऊपर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। इसके बाद फिर से हम कॉर्नर पे पहुंच गए हैं, इस कॉर्नर पे आ गए, फिर से हम कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर कैसे बनेगा, 1 2 डबल क्रोशेज, चेन 2 एंड 2 डबल क्रोशेज इन चेन 2 स्पेस। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, बाकी के जो डबल क्रोशेज यहाँ तक है उनमें डबल क्रोशेज कर लेंगे। 1 2 3 एंड 4, और फिर यहाँ पे जो चेन 3 था हमारा, थर्ड चेन में हम जाएंगे। ये मैंने लूज बनाया था, देखिए आराम से चला गया हुक। ये हम इसमें से लेकर और ये हमने स्लिप कर दिया और जॉइन कर लिया। ये हो गया हमारा थर्ड राउंड। अब ये लास्ट एंड फोर्थ राउंड है हमारा, फिर से वही 1 2, थर्ड थोड़ा लूज रखेंगे, 3 डबल क्रोशेज मीन्स डबल थ्री सॉरी 3 चेन्स जो कि हम डबल क्रोशे कंसीडर करते हैं। अब इसके बाद जितने डबल क्रोशेज है कॉर्नर तक उसमें हम डबल क्रोशेज करेंगे। आई थिंक मैं बिल्कुल ठीक से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये कॉर्नर आ गया, चेन टू स्पेस आ गया, इसके अंदर हम न्यू कॉर्नर फॉर्म करेंगे, 2 डबल क्रोशेस, चेन 2 और फिर से 2 डबल क्रोशेस। तो ये कॉर्नर बन गया। उसके बाद अब इस यहाँ से लेके ये नेक्स्ट कॉर्नर तक जितने डबल क्रोशेज हैं फिर से हम उसके ऊपर डबल क्रोशेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। हाँ फ्रेंड्स, मेरे को एक और देखिए आप इसमें बात, कि हमारा एवरी रो में
जो साइड्स पे डबल क्रोशेज हैं ये हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ से ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ से ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं। वो किस लिए इंक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि हम हर रो में नया कॉर्नर डाल रहे हैं, हर रो में हम एक नया कॉर्नर बना रहे हैं जो कि है टू डबल क्रोशेज, चेन टू, टू डबल क्रोशेज। तो इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, कितने इंक्रीज हो रहे हैं? आप यहाँ पे हमारे शुरू में थे थ्री, तो हर रो में हमारे टू, फोर डबल क्रोशेज, इन एवरी रो हमारे फोर डबल क्रोशेज इंक्रीज हो रहे हैं, हर रो में फोर डबल क्रोशेज इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पहले था थ्री, थ्री के बाद हो गया सेवन, सेवन प्लस फोर इलेवन, इलेवन सेवन थे ना, हाँ थ्री के बाद सेवन हो गए, सेवन के बाद यहाँ पर आ गए हमारे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन हो गए, ठीक है। अब इलेवन के बाद यहाँ पर हमारे इंक्रीज होके कितने हो जाएंगे, फोर और आ जाएंगे, तो फिफ्टीन, इस रो में हमारे फिफ्टीन डबल क्रोशेज हो जाएंगे। तो ये भी एक नोट करने वाली पॉइंट है, ये वैसे ही बताया आपको, इसका कोई पर्पस नहीं था, इट वॉज जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब फिर से हम कॉर्नर में आ गए हैं, तो हमने फिर से कॉर्नर फॉर्म कर देना है, टू डबल क्रोशेज हमने ऐड कर दिए, एंड देन चेन टू, चेन टू स्पेस में, और उसके बाद दो और डबल क्रोशेज आ गए। उसके बाद अब यहाँ से इस कॉर्नर तक हमने फिर से डबल क्रोशेज बनाने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड इलेवन, ये हो गया हमारे डबल क्रोशेज। इसके ऊपर अब हम आ गए हैं फिर से कॉर्नर पे, कॉर्नर पे आके फिर हम कॉर्नर बनाएंगे कैसे, टू डबल क्रोशेज, चेन टू एंड टू डबल क्रोशेज, फिर से हमारा कॉर्नर बन गया। अब हम फिर से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक सारे डबल क्रोशेज के ऊपर डबल क्रोशेज करेंगे। अब तक तो आपको भी आ गया होगा क्योंकि ये बहुत ही इजी होते हैं ग्रैनी स्क्वायर्स, और जितने इजी होते हैं उतने इंटरेस्टिंग होते हैं और उतने ही ये सुंदर बनते हैं। इनसे आप कोई भी चीज बनाएंगे बहुत सुंदर लगेगी, और इसी ग्रैनी स्क्वायर को आप आगे आगे बड़ा बड़ा करके, बड़ा करें चाहे छोटा ग्रैनी स्क्वायर बनाए, कुछ भी बनाएंगे इनसे, चाहे छोटे ग्रैनी स्क्वायर से, चाहे इसको और जितना मर्जी आप इंक्रीज कर सकते हैं आगे आगे, बहुत सुंदर लगता है। आई एम फैसिनेटेड, मुझे तो ग्रैनी स्क्वायर्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, और इनके बनाई हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये यहाँ तक हो गया, अब हम आ गए हैं कॉर्नर पे, बस हमारा स्क्वायर ख़त्म होने वाला है। हम वन टू देन चेन टू एंड देन वन एंड टू डबल क्रोशेस। उसके बाद यहाँ से लेके जहाँ तक हमारे ये डबल क्रोशेस हैं इसके ऊपर डबल क्रोशेस करेंगे। ये हो गए हमारे जहाँ तक हमारी चेन थ्री हमने लास्ट राउंड में बनाया था, जो हमारा डबल क्रोशे कंसीडर हम करते हैं, वहाँ तक हम ये डबल क्रोशेस बना लेंगे। और ये हमने बना लिए, और ये चेन थ्री के थर्ड चेन मैंने लूज रखा है, ये देखिए इजीली चला गया, और ये हमने स्लिप स्टिच कर लिया, और ग्रैनी स्क्वायर हमारा जॉइन हो गया, एंड दिस इज़ आर ग्रैनी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने
इसको थोड़ा सा स्ट्रैंड लंबा रखेंगे क्योंकि हम इसको वीवन भी करेंगे। इसको हमने यहाँ से कट कर दिया और ये हमने टाइट कर लिया थोड़ा सा, और ये हमारा हो गया ग्रैनी स्क्वायर। अब इसी को हम, ये हमने बना लिया 1, 2, 3, 4, हमने इसको 4 रोज में ही ख़त्म कर दिया। ये हमारा स्टैंडर्ड साइज़ होता है ग्रैनी स्क्वायर का 4 रोज का। बट अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम स्टाइल से आपने कॉर्नर्स ऐड करते जाना है और बढ़ते जाना है। जितना बड़ा बना के आप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर 3 रोज का बना के ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगी, ये जो सेंटर में हमारा ये स्ट्रैंड था इसको हमने खींच के हमने टाइट किया हुआ है, अदरवाइज यहाँ पे नॉट नहीं है। एंड्स तो मैंने आपको बताया था कि हमने वीव इन करने ही करने हैं। तो अब हमने, मैं आपको ये जो सेंटर में है, मैंने बेसिक ग्रैनी स्क्वायर में भी सेंटर का स्पेशली बताया था। अब ये जो सेंटर वाला है ना, इसमें हमने पहले यहाँ पे एक ऐसे करके, ठीक है, यहाँ एक बेसिक की जो नॉट होती है, बेसिक नॉट हमने एक दे देनी है छोटी सी अच्छे से। उसके बाद इसको हम यहीं पे गोल गोल घुमा के वीव इन कर देंगे बैक साइड पे, ऐसे करके ये ऐसे आ गया। ये हमारा पूरा सर्कल, चाहे आप इसके 2 सर्कल्स दे दीजिए, चाहे आप इसका एक ही सर्कल करके कर दीजिए, वो वीव इन तो हो गया, ये सिक्योर हो गया। और उसके बाद ये थ्रेड जो है हमने एंड से काट देना है। ऐसे ही ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको भी हमने बैक साइड पे ही ऐसे ही वीवन करना है। तो ये हो गया हमारा ग्रैनी स्क्वायर। होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को टच करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स बाय फॉर नाउ। ओके, थैंक यू सो मच।